मैं इस बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं और मोहतरमा मैं आपको एक बात यहां पर ऐवान को बताना चाहूंगा कि जब हमने संविधान को बनाया था, जब बन रहा था संविधान, और उस वक्त में इस वक्त में कितनी गिरावट हो गई है, जहनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, तहजीबी तौर पर, दिमागी तौर पर, नफसियाती तौर पर। जब संविधान का प्रियाम्बल बन रहा था अक्टूबर 17, 1949 को मैडम, तो उस वक्त केएम पाठक रुकुन थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, उन्होंने कहा था कि प्रियाम्बल की शुरुआत भगवान के नाम से होगी या खुदा के नाम से होगी। आपको जानकर हैरत होगी कि राजेंद्र प्रसाद साहब ने जाकर कहा कि नहीं, संविधान की शुरुआत भगवान या खुदा के नाम से नहीं हो सकती। वोटिंग हुई, वोटिंग में केएम कामत साहब हार गए। जब संविधान का प्रियाम्बल लिखा जा रहा था तो उसको भगवान खुदा के नाम से ही लिखा गया। अब वो ऊंचाई और ये पस्ती देखिए आप कि एक कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। मुझे शिकवा इस बात का नहीं है, गम इस बात का नहीं है कि आपने मुसलमान को नहीं रखा। मुझे गम इस बात का है, आप मत लीजिए किसी पाकिस्तान से मुसलमान को अफगानिस्तान से, मुझे उसका कोई मतलब ही नहीं है। मेरे बुजुर्गों ने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस जुमले को यकीन किया कि इस्लाम का इस मुल्क से 1000 साल का ताल्लुक और हिंदुइज्म का 4000 साल का ताल्लुक है। मुझे गम इस बात का है कि आज हुकूमत को जिसने संविधान पर ओथ लिया, आज इस्लाम से मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है, हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी है, आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आप में? आप मत लीजिए किसी को। मैडम मैं ये क्यों कह रहा हूं बता रहा हूं आप, मैं जानना चाहूंगा होम मिनिस्टर साहब से कि इस बिल को एनआरसी के नजर से देखने की जरूरत है। जो आसाम में एनआरसी हुआ मैडम, वहां पर 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से खुद वहां के मंत्री कहते हैं कि 5,40,000 बंगाली हिंदू है। मैं होम मिनिस्टर जानना चाह रहा हूं कि सेक्शन 5 के तहत, ये जो सेक्शन है ना मैडम, सेक्शन 6A के तहत जितने बंगाली हिंदू हैं उन पर जो मुकदमा चलेगा वो अबेट हो जाएगा। और किस पर मुकदमा चलेगा फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से? मुसलमानों पर। बताइए होम मिनिस्टर साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आर्टिकल 14 फेल का होता है, जहां पर मजहब आ जाता है रीजनेबल क्लास वहां पर फेल हो जाता है। आप एनआरसी आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदुओं के लिए आप यह कानून बना रहे हैं, और जब एनआरसी हो जाएगा, अगर अमित शाह साहब का नाम नहीं आएगा और उन्हीं के पार्टी के किसी एक मुसलमान का नाम नहीं आएगा, तो सीएबी के जरिए अमित शाह का नाम आ जाएगा, मुसलमान का नाम नहीं आएगा। यह इनकी साजिश है कि स्टेटलेस बनाना मुसलमानों को। और मैडम मैं इसकी मजम्मत करता हूं, हमारा हाल आप यह करके रख दी है कि तूफान में किश्ती में तासुबियत की फिरका परस्ती के तूफान में बगैर मल्लाह के हमको किश्ती में डालकर छोड़कर साहिल पर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं। मगर याद रखो ये तमाशा देखने वालों, ये कश्ती साहिल को पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ताला हम कश्ती जलाकर जमहूरी अंदाज में अपने हक को हासिल करेंगे। ये ऐवान को समझने की जरूरत है। तीसरी बात मैडम जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि पीओके, सर पीओके होम मिनिस्टर साहब अब यह क्यों भूल जाते हैं कि 1/3 एरिया हिंदुस्तान का चीन में है? आप डर रहे हैं क्योंकि कल अगर दलाई लामा मर जाएंगे, नया दलाई लामा आएगा, तो आप उसके लिए रोक रहे हैं। क्या तिब्बत के लोगों में मुसलमान नहीं है? क्यों नहीं देते आप दलाई लामा? आप इंतजार कर रहे हैं मैडम, यही तो हम पूछ रहे हैं, चीन के बारे में क्यों नहीं रखते आप? क्यों डर रहे चीन से आप? 1/3 एरिया चीन, भारत का चीन में है, और खुद होम मिनिस्टर ने कहा था एक्साइज चीन पर नहीं छोड़ेंगे, आज आप छोड़ दिए, इतना क्यों डरते चीन से आप? चौथी बात मैडम, क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब जानते हैं टाइगर सिद्दीकी कौन था? टाइगर सिद्दीकी वो शख्स था जिसको हिंदुस्तान में हमने पनाह दी, मुक्ति वाहिनी बनाई और बांग्लादेश बना। अगर ये लोग सरकार में होते तो टाइगर सिद्दीकी कभी नहीं बनाता मुक्ति वाहिनी को। और भाई पांचवी बात मैडम, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, यकीन है आप जानते हैं तालिबान आएगा। जब तालिबान आएगा तो आपको जरूरत है हजारा की, ताजिक की, आपको जरूरत है भारत में ताकि हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कर सके। मगर आपके कानून की वजह से आप उन तमाम ताजिक को, उज्बेक को, तालिबान जब हुकूमत करेगा अफगानिस्तान में, आपका तो कार्ड चला गया। ये आपकी सोच है, यह आपका विजन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लंडर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के एंगल से आप लोग करेंगे। अफगानिस्तान में सिख है मैं जानता हूं, तालिबान के जमाने में होम मिनिस्टर साहब जानते हैं कि करेंसी का पूरा मामला सिखों के पास था, आज भी उन्हीं के पास है। और क्या गारंटी ले रहे होम मिनिस्टर साहब कि पाकिस्तान को ना हिंदुस्तान के हिंदुओं से मतलब है ना पाकिस्तान से मतलब है?
वो घुसाएगा यहां पर, आप कैसे रोकेंगे? और क्या आप बताएंगे मैडम कि कितने लोग हैं जिनको आप सिटीजनशिप देने जा रहे हैं? नंबर बताइए, स्टेट वाइज बताइए। कहो कह रहे हैं मैडम। और एक बात, ये कानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। ये कानून तो हिटलर के उस कानून से ही बदतर है, उस कानून से ही बदतर है। कहां लाकर छोड़ दिए भारत को आप? अगर आपने संविधान परो किया था, हम मुसलमानों का गुनाह क्या है? क्या मुसलमान है? मुझे पाकिस्तान से मत लीजिए, अफगानिस्तान से मत लीजिए, मगर इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से इस अहमान को सोचना पड़ेगा। आप जो मैसेज दे रहे हैं, आपकी वजह से पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हो गया मुसलमानों का। आप तो उनको दबा रहे हैं, उनके सीने पर पैर रखकर आप कह रहे हैं कि अब तू इस मुल्क का बाइज़ शहरी नहीं बल्कि तो स्टेटलेस बनाया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मैडम कि ये एक और एक पार्टीशन होने जा रहा है। मैडम मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अंग्रेजी में कहावत है कि दोज डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू बी रिपीटेड। श्रीलंका के 10 लाख तमिलियंस मद्रास में, तमिलनाडु में हिंदू नहीं है क्या? खत्म कर, नेपाल में मदेशी नहीं, हिंदू नहीं है, बताइए। अच्छा मैडम, ये होम मिनिस्टर साहब बता दीजिए कि म्यांमार में चिन, काचिन, अरहकान, अरे चंद साल तक ऑल इंडिया रेडियो पर काचिन का रेडियो सर्विस चलता था। ये चिन लोग क्रिश्चियन है म्यांमार के, आप इंतजार कर रहे हैं? क्या इंतजार कर रहे हैं? कौन सा स्ट्रेटेजी आपकी? हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं, ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। 1957 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं, यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है।